तुड़ी साफ है ना वैसे? बस अभी जाके हम ले आए हैं, अभी जाके इसको जो है बना के देते हैं। हाँ जी, भूख लगी हुई है। ये दूध है, दूध है, दूध है। तो दोस्तों हमें यहाँ से चाहिए ये तसला, तसला ले लेंगे एक, जिसके अंदर आग लगाई थी और जिसकी वजह से जो है ना बकरे की आवाजें ऊपर तक आ रही हैं यहाँ से। ओए टिंग 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 टिंग, ओ हेलो, ओ हेलो, इधर इधर, राइट राइट राइट, इधर 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 इधर, पीछे मुड़ के देखो। हाँ इधर, ऊपर 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 देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ओए ओए ऊपर देखो। ओए इसकी बजाय ना ये वाला साफ है। हाँ ये साफ है, इसको लेके जाते हैं, इसको अच्छे तरीके से धोना है, इसमें पानी भरा जाए। हाँ जी ऊपर आए बैठे हो, वो उधर बैठी हुई है और ये सारे 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 चुच्चू मुच्चू कुच्चू सारे के सारे अंदर है, पानी गिराया हुआ है। ठीक है, ये सिल्कीज के अंदर बंद है, हमारा शेर दिल्ली जंगले में बंद है, हमारी खजूरी इधर फिर रही है, रेशम की इधर गई, वो उधर खड़ी हुई है, डोरीमोन ये है, इसने कुरीर स्टार्ट कर दिया। तफसील के अंदर अभी इनको दाना डालेंगे आगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अपने बकरे को जाके दाना डाल देते हैं। ले जी, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, लश हो गया, अब इसके अंदर इसको बना के देते हैं। ओ बस 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 बस, ये देखें दोस्तों, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो मेरी बाइक के साथ लगे हुए हैं अभी। ये तो सिंपल इसका भूसा हो गया और ये है असल पावरफुल फूड इसकी, तो ये हम बनाएंगे सबसे पहले है? तो चलें चलें भी, अब बनाते हैं। बुरहान इसे खोलो, इन चीजों को खोलना। सबसे पहले जो है ना असल, जो है ना दोस्तों असल जो चीज मैं लेकर आया ना वो इसके अंदर है। ये तो फिर मैंने थोड़ा सा ले लिया साथ, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो अब इसके अंदर जो है ना, ये भाई ने ना तीन चीजें मिक्स कर दी हैं इसके अंदर ना। अब इसके अंदर तीन चीजें कौन सी है वो भी बारी बारी आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ना इसमें हमने ऐड कर लेनी है एक मुट्ठी ये, और ये दूसरी मुट्ठी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने, ये है हमारे पास अपना चावल, बंद चावल जो होते हैं इनको ज्वार भी कहते हैं, अभी इनके अंदर होंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से ये इसके अंदर बंद कर दें, बंद कह रहा हूं, इसमें डाल लेंगे। ठीक है ना, और थोड़े से डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है मकई। ठीक है दोस्तों, ये मकई है, मकई इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और मकई के अंदर दो चीजें और ऐड है, एक इसके अंदर चने की दाल ऐड है और दूसरा चना, चने का छिलका ऐड है। ठीक है ना, ये भी। अब ये सारे आइटम को मैं बाद में मिक्स कर लूंगा। भाई कह रहे थे कि यार इकट्ठे कर लो, इकट्ठे मैंने आप लोगों को दिखाने थे इसलिए मैंने जो अलग अलग डाल रहा था, लेकिन उसने फिर भी डाल दिया, बल्कि ये ज्यादा डालो इसमें, असल चीज तो यही है। ठीक है, ये उसके बाद ये है चोकर छिलका, और इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम मिक्स हैं, ये भी इसके अंदर डालेंगे। ये बहुत ही मजे से खाने वाले हैं अभी दोस्तों ये, इंशाल्लाह। अब इसको मिक्स करेंगे। ये तुड़ी है ना, ये थोड़ी ठंडी होती है तस्वीर की, तो इसलिए ये इसमें ऐड करेंगे, वरना ना भी ऐड करते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये फिर भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों, इसको हल्का सा पानी नहीं लगाया, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे। मेरे पास ऊपर टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि मुर्गियों के बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, जो बचते हैं मैं रख देता हूँ साइड में सुखा के, बहुत ज्यादा है वो, अभी इंशाल्लाह मैं अभी सुबह भिगो दूंगा, शाम का जब इसका डिनर तैयार करेंगे ना तो इसके अंदर हम टुकड़े भी डालेंगे, टुकड़े मतलब दो तीन रोटियां जो अच्छी तरह भीग जाएंगी शाम को, वो फिर इसके अंदर डालेंगे। और ये देखें, ये हमारा जो है ना, ये अभी नीचे बैठ के खाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, इसने खाना स्टार्ट कर दिया। सुबह इसको मैं थोड़ा सा बस बाहर लेके चला गया था, वहां से इसने थोड़ी सी ग्रेजिंग की है, और लेकिन फिर मैं वापसी ले आया हूँ, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए लेके गया था। तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा है दोस्तों, ये अगर ये खा लेना तो इसका ये जो है ना शाम तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन दरमियान में कुछ इसको डाल देंगे। लेकिन एक दफा इसने ये सारा चट कर दिया ना
तो ये शाम को फिर 5-6 बजे इसको दोबारा ये बना के देंगे इस तरीके से। तो ये देखें माशाल्लाह ये खा रहा है दाने, हर चीज ये पूरा चट कर देगा। बहुत लोग कह रहे थे यार लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही, लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही, तो लें जी लॉन्ग वीडियो आ गई आज आप लोगों के लिए। ये देखें यार हमारी पिस्ती जो है ना, मसरूफियत की वजह से पिस्ती पे मैंने गौर ही नहीं किया, बस ये अपने जो है ना 2-3 अंडे दे के इसके ऊपर बैठी रही, ठीक है। तो अभी पता नहीं बैठी गई है, ओपन कभी इसको देखता हूँ बैठी होती है, कभी ये फिर रही होती है, तो अपनी मर्जी से घूमती है। ये देखें इसको गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। अब जो लोग कहेंगे ना यार आपने इतनी गर्मी में इसको बिठा दिया, तो हमारे यहाँ पे ना बारिशें स्टार्ट हो गई थी, जैसे ये कुड़क हुई है ना उससे 1-2-3 दिन के बाद लगातार मौसम हवाएं चल रही थी, तो पैड्स जितने भी थे ना जरा ठीक हो गए थे, तो इस वजह से जो है ना बस ये बैठी रही। काला था ना वो एक्सपायर हो गया, पता नहीं क्या वजह है इनकी। ये जो मदर है ना ये जो मदर थी एक ही बेबी निकाला था, और उसके बाद ना इसने उसे फीड ही नहीं करवाई, वो बेचारा भूख से ही मर गया, तो कल एक्सपायर हो गया था वो। बस मैंने उठा के फेंक दिया, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये मेल तो बहुत बड़ा है एज वाइज, लेकिन ये फीमेल अभी ताजी ताजी तैयार हुई है, तो शायद इसको एक्सपीरियंस नहीं था बच्चों को फीड कैसे करवानी है, जिसकी वजह से ये एक्सपायर हो गया। अच्छा दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि ना कल शाम को ना मैंने देखा हमारा ना ये वाला जो मेल है ना ये इनके अंदर ये बड़ा ढीला सा था, अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, नहीं तो ये कल तक तो बहुत ज्यादा ढीला नजर आ रहा था। और हमारी ये रेशम की टांग भी आप लोगों को दिखा दूं, अभी माशाल्लाह काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, और ये टांग जो है ना नीचे लगाना इसने स्टार्ट कर दी है, पहले तो ये बिल्कुल ही लंगड़ा के चलती थी ना। चले चूजों के लिए सबसे पहले दाना वगैरह ले आते हैं, फीड आ गई। रुक जाओ भाई, सारी नीदरी गिरानी है, आगे भी डालनी है। ये देखो जी अब सारे अन्ने हो रहे हैं, वो उधर डाल दिए उधर। चल इनको पानी भी रखे हैं। हमारी इस व्हाइट फीमेल के लिए भी जल्दी मेल लाना पड़ेगा। ये देखें ये ब्राउन मेल को डोरे डाल रही है, और ये देखें उसके साथ पेड़ लगाने की कोशिश करती है, और ब्राउन मेल जो है उसको गुस्सा आता है, वो कहता है मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे साथ ये हरकतें ना करो। ओ भाई, गई जो है ना वो मेल उड़ गया था इसमें से एक ना, लेकिन आ गया वापसी। तो ये डोर को ना कुंडी लगाना बहुत जरूरी है। बकरा बोली जा रहा है, बकरे को देखें, हमारे बकरे को क्या हो गया, वो एक खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? ये नया नया आया ना दोस्तों, तो इसके पास बैठना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है ना ये बोलना शुरू कर देता है। चले अभी नीचे चलते हैं हम। हमारी पिस्ती भी उठ चुकी है खाने के लिए, देखे खाना खा रही है, और यहाँ पे ये खजूरी और रेशम जो है उसके अंडे पे, वो देखे 4 अंडे पड़े हुए हैं। शेरदिल को मैंने बाहर निकाल दिया, और डोरेमोन को बंदर डाल दिया। आज आपका वेट था, लो जी ये आ गई है, और मैं यहाँ पे टुकड़े भिगो रहा हूँ अपने बकरे के लिए। ये और थोड़े से पड़े हुए थे, ये भी मैंने डाल दिए, इसके अंदर खमीरी रोटी भी है। मैंने कहा जितना बकरे को डालना होंगे बकरे को डाल देंगे, वैसे इतने ज़्यादा नहीं डालते होते, थोड़े से डालते हैं, बाकी मुर्गियाँ खा लेंगी। ये ले देखें जो नीचे गिरे हैं, ये भी इसके अंदर डाल देता हूँ। ये शाम तक बिल्कुल पप्पू नरम हो चुके होंगे, बिल्कुल पप्पू नरम, ठीक है ना। ये इसके अंदर और पानी डाल देते हैं, और इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे जो अपने कौवे होते हैं ना कौवे, ये खा जाएंगे। वो जी भी इस प्लेट को इसके ऊपर रख देते हैं, शावर को उठा लेते हैं, अब इस डोर को खोलें, और पिजन हजरा से रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली अंदर तशरीफ ले जाएं। ओ भाई, चलो, शाबाश, अच्छे बच्चे। चलो भाई यार, पिजन के लिए हमने ना अलग ही घर बना लेना है जल्दी इंशाल्लाह। ये इनको ना मुर्गियों के साथ ये गए उधर, ये ओ हमारा बकरा यहाँ से गायब हो गया। ये आ गया इधर, ये ना असल में बोली जा रहा था उधर, तो भाई ने इसको इस ग्रिल के साथ बांध देना ताकि इसको अंदर नजर आता रहे। इस नवाब के पास बैठे रहो तो ये खाएगा, उठ के जाओ तो फिर शोर मचाना शुरू कर देता है। चलें ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने लगा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, बकरा कैसा लगा ये कमेंट में मुझे लाजमी बताएं,
और फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।